चौधरी चौधरी साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी अपने दायित्व का निर्वहन करके जनता जनार्दन को विकास की एक नई धारा के साथ जोड़ने के कार्य किए। बहनों और भाइयों, मैं आज मुजफ्फरनगर में आया हूं एक सामान्य रूप से। जनसभाएं हम लोग बाद में करने के लिए आए, लेकिन डॉक्टर संजीव पांड्यान जी ने नामांकन किया तो नामांकन के बाद जब तक सिंबल वगैरह आदि आवंटित होते हैं तो मैंने कहा तब तक मैं प्रबुद्ध जनों का आह्वान करने के लिए एक बार होकर गया था, क्योंकि यहां पे जो लोग आए हैं ये अलग अलग संगठनों से जुड़े हैं। कोई बार एसोसिएशन अधिवक्ता समुदाय से जुड़ा हुआ है, कोई इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है, कोई शिक्षक समाज से जुड़ा हुआ है, कोई व्यापार मंडल से जुड़ा हुआ है, कोई चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज से जुड़ा हुआ है, कोई अलग 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 तबके से जुड़े हुए लोग हैं। उन सभी लोगों का, क्योंकि वह समाज का नेतृत्व वर्ग है, उस नेतृत्व वर्ग से मैं अपील कर सकूं। यद्यपि डॉक्टर संजीव पांड्यान जी अपने क्षेत्र में बराबर जुड़े रहते हैं, तो उनके पास बाकी काम ही किया दिल्ली में या तो मुजफ्फरनगर या फिर लखनऊ में यहां के समस्याओं को लेकर के उस कार्य का समाधान करने के लिए, और इसलिए वे ज्यादा समय अपने संसदीय क्षेत्र को देते हैं। ये जिम्मेदारी देने के लिए ही मैं आपके पास आया हूं कि चुनाव के दौरान प्रत्याशी से अपेक्षा नहीं होनी चाहिए कि हर घर जा पाए, हर विधानसभा में जा पाए या हर गांव में चला जाए। उनके कार्यक्रम सीमित होंगे, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं तो अन्य क्षेत्रों में भी उनको प्रचार के लिए जाना पड़ सकता है। इसलिए हर प्रबुद्ध जन को, हर पदाधिकारी को, हर जनप्रतिनिधि को, हर कार्यकर्ता को स्वयं संजीव पांड्यान बनना पड़ेगा, तब मोदी जी के संकल्प की पूर्ति में हम सब सहायक हो पाएंगे। आप देखिए ना, एक वोट की कीमत आपकी कितनी होती है, एक वोट वह देश की तकदीर को भी और देश की तस्वीर को भी बदल सकती है। आपका एक वोट जब गलत हाथों में जाता था तो मुजफ्फरनगर में महीनों कर्फ्यू लगता था, आपका एक वोट सही हाथों में गया तो मुजफ्फरनगर अब कर्फ्यू नहीं कावड़ यात्रा के लिए जाना जाता है। आपका एक वोट गलत हाथों में जाता था तो ना केवल मुजफ्फरनगर बल्कि हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश अराजकता की भट्टी में झोंक करके यहां की सुरक्षा को खतरे में डालती थी। कितना खतरनाक माहौल था, लोग चलने से डरते थे, आने से डरते थे। आपका एक वोट सही हाथों में गया, सही पार्टी के साथ गया तो अराजकता समाप्त हुई और आस्था को सम्मान मिला। आपने देखा होगा, मैं पिछले 15 दिनों से होली के कार्यक्रमों को प्रदेश भर में देख रहा था। होली का एक गाना चल रहा था और मैं वर्षों से सुनता रहा उस गाने को, होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले। लेकिन हमें दुख होता था हर वर्ष कि होली खेलने के लिए भगवान राम का आह्वान तो हो रहा है, लेकिन अयोध्या में अपनी जन्मभूमि पर राम है ही नहीं। 500 वर्षों के बाद आपके वोट ने आपकी आस्था को सम्मान दिला दिया, अयोध्या में राम का नाम हो सकता है। लेकिन एक वोट सही हाथों में गया
सही पार्टी के साथ गया तो परिणाम क्या है? अब रंगदारी नहीं, अब पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर और व्यापारियों के लिए भी लोन के रास्ते खुले हुए हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, यूपी के अंदर अब तक 18 लाख स्ट्रीट वेंडर को पीएम स्वनिधि योजना में ऋण की सुविधा उपलब्ध हुई है। 18 लाख लोगों को। बहनों और भाइयों, एक वोट की कीमत आपको समाज को बताना है, इसलिए बताना है, जो चर्चा है एक तरफ, जिसके बारे में भी डॉक्टर संजीव बालियान ने भी चर्चा की है, एक तरफ फैमिली फर्स्ट है और दूसरी तरफ नेशन फर्स्ट है। मोदी जी के नेतृत्व में नेशन फर्स्ट की बात होती है, देश पहले, और इंडी गठबंधन के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए परिवार पहले है। वे जातिवाद की बात करते हैं और मोदी जी गरीब कल्याण की बात करते हैं। वे तुष्टीकरण की बात करते हैं, मोदी जी कहते नहीं, हमें संतुष्टि पे ध्यान देना होगा, सबका साथ सबका विकास। यही अंतर है जो मोदी जी को अन्य नेताओं की तुलना में अलग पहचान दिलाते हैं और भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को एक अलग पहचान दिलाते हैं, और उसी पहचान को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपको जाना है, जिसके लिए हम लोग आए हैं कि आपके पास मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी की गारंटी, मोदी की गारंटी का मतलब 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मोदी की गारंटी का मतलब 4 करोड़ गरीबों को सिर ढकने के लिए छत पीएम आवास योजना का लाभ, 12 करोड़ गरीबों को, गरीब परिवारों को, यानी 60 लाख परिवारों को, 60 करोड़ परिवार, 60 लाख लोगों को, 60 करोड़ परिवार लोगों को, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, 2.5 करोड़ परिवारों को उनके घर के अंदर उजाला, 10 करोड़